नमस्कार जय श्री कृष्णा मैं राकेश पाठक शिव ज्योतिषाचार्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अक्सर ये देखा गया है कि लोगों में ये जानने की बड़ी इच्छा होती है कि पूर्व जन्म में हम लोग कहाँ थे और आने वाले जन्म में हम लोग कहाँ जाए ये स्थिति बहुत रहती है कि पूर्व जन्म में हम लोग कहाँ थे और आने वाले जन्म में हम कहाँ जाएंगे तो इसके बारे में नारद पुराण में जिक्र किया गया है आप नारद पुराण में संक्षिप्त नारद पुराण लेके गीता प्रेस वाली उसको देख सकते हैं उसमें बाकायदा ये जिक्र किया गया है कि आपकी पूर्व जन्म स्थिति क्या थी और आप मरने के बाद आपकी मृत्यु के बाद आप कहाँ और किस लोक में जाएंगे या मोक्ष को प्राप्त होंगे या नहीं प्राप्त होंगे तो इसमें जो कहा गया है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसमें कहा गया है एक कुंडली लगा मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी और उससे थोड़ा क्लियर आपको हो जाएगा ये देखिए इसमें यह कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा में जो अधिक बलवान हो आप सूर्य और चंद्रमा किसी भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को देखिए और सूर्य और चंद्रमा में जो बलवान हो उसको देखिए अब बल कहां से देखना है आपके इसका तो बल देखना है शट बल से तो चार्ट में आपके पास शटबल होता है जब सॉफ्टवेयर होता है उसमें शटबल दिया होता है तो वहां से उसका शटबल देखिए और ये देखिए कि सूर्य और चंद्रमा में से कौन बलवान है और जो बलवान है वह किस दृष्ट में स्थित है दृष्टकान क्या होता है दृषकान मैंने आपको पीछे बताया है कि दृष्टकान डी थ्री चार्ट बोलते हैं एक राशि के तीन हिस्से किए जाते हैं जीरो से दस डिग्री दस से बीस डिग्री और बीस से तीस डिग्री तो एक राशि में तीन दृश्य होते हैं तो उससे बनने वाली जो कुंडली होती है वो दृशकान कुंडली कहलाती है तो मैं आपके सामने दृश्यन्न कुंडली यहाँ लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे ये दृष्टान कुंडली है इसी जातक की जिस जातक की ये जिस जातक का ये लगन कुंडली है उसी जातक की ये दृषकान कुंडली है तो हम ये देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा में से कौन बलवान है तो सूर्य और चंद्रमा में से हमने देखा बलवान कौन है सूर्य 0.90 बल लिए बैठा है चंद्रमा 0.83 बल लिए बैठा है तो सूर्य और चंद्रमा में से सूर्य बलवान है अब हमने देखा कि सूर्य बलवान है इसको हम देखेंगे कि वह किस दृष्टिकोण में गया है वह किस दृष्टिकोण में गया है अब इसको देख लेते हैं सूर्य किसके दृष्टिकोण में गया है सूर्य हमारा दृषका कुंडली में गया है शुक्र के दृष्ट अब इस का स्वामी कौन है इस का स्वामी कौन बनता है शुक्र बनता है क्योंकि सात नंबर राशि में गया है सूर्य तो शुक्र बनता है तो चंद्रमा या शुक्र के दृष्टकांत तो तो में तो तो जो आदमी होता है या जो मनुष्य है जातक वह पितृलोक में था तो ऐसा जातक पितृलोक में था पहले तीन तरह के लोग होते हैं पितृलोक होता है नरक नरकलोक होता है और आपका देव देवलोक होता है तो ऐसा जातक लोक में था तो ये जातक जिसकी कुंडली है ये लोक में रहा होगा क्योंकि इसका जो सूर्य बलवान है और सूर्य बलवान होके शुक्र के देश कांड में बैठा है और शुक्र का देश दृषकान अगर शुक्र देश दृषकान का स्वामी हो तो वह लोक में होता है दूसरी कुंडली एक मैं आपके सामने लाके दिखाता हूं आपको एक और कुंडली उससे आपको आइडिया हो जाएगा ये किसी फीमेल की कुंडली है इसमें आप देखिए इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों में से देखिए बलि कौन है तो सूर्य और चंद्रमा दोनों में से देखा बलि कौन है तो सूर्य का जो बल है वो है, चंद्रमा का जो बल है वो है वन पॉइंट जीरो नाइन तो वन पॉइंट वन सेवन सूर्य का बल होने से सूर्य बलि हो गया अब सूर्य बलि है तो सूर्य को हमको देखना है किस दृशकान में है मैं दृशकान्न कुंडली लगा लेता हूँ यहाँ पे दोबारा से ताकि आपको आइडिया हो जाए दृशकान्न कुंडली दृषकान के बारे में मैंने बताया आपको ऑलरेडी अब सूर्य किसके दृष्टान में है? सूर्य कहा में बैठा हुआ हुआ गुरु हुआ इस दृष्ट कौन का क्योंकि सूर्य मीन राशि में बैठा हुआ है तो इसका स्वामी हुआ गुरु तो गुरु के दृष्ट कांड में अगर सूर्य बैठा हुआ है जो बलशाली है तो उसके इसमें ऐसा जातक देवलोक में था ऐसा जातक देवलोक में था तो ये हम इससे निकाल सकते हैं पता कर सकते हैं अपनी कुंडली देख के, के हम किस लोक में थे हम देवलोक में थे पितृलोक में थे या नर्क लोक में थे कैसे में, कैसे लोक में हम थे अब इसके अंदर आता है कि इसमें एक सिद्धांत और भी दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जिस भी जगह आप थे पूर्व जन्म में अगर आप पितृ देश में थे या लोक में थे या मृत्यु लोक में थे या लोक में या देव लोक में थे तो वहां पे किस पोजीशन पे थे आप ये भी प्रश्न आता है कि जिस जगह आप थे वहां पर किस पोजीशन में आप थे वहां पे आपकी पोजीशन क्या थी मतलब देवलोक में अगर आप थे तो देवलोक में आप कैसे थे देवलोक में आपकी देव आप स्थिति क्या थी कि देवलोक में भी आप उच्च पोजीशन पे थे या देवलोक में आप मध्यम पोजीशन पे थे या देवलोक में आप निम्न पोजिशन पे थे तो उसके लिए उन्होंने कहा है बिल्कुल सिंपल सिद्धांत उन्होंने बताया है नारद पुराण में यदि जैसे इसी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा में से सूर्य बली और सूर्य बैठा है मीन राशि में तो इसका दृषकान हुआ गुरु स्वामी गुरु हुआ तो गुरु अब आपको ये देखना है कि द्रेश का जो स्वामी है दृषकान का स्वामी अगर अपने उच्च राशि में बैठा हो गुरु कहाँ बैठा है बारह नंबर राशि में बैठा है डीवन चार्ट में आप देख सकते हो बारह नंबर राशि में बैठा है तो उच्च राशि में तो नहीं है लेकिन स्व राशि में है। तो इस देश का स्वामी यदि अपनी उच्च राशि बैठा हो तो आप उच्च पोजिशन पर होते हैं अगर निम्न रा नीच राशि में बैठा हो तो आप निम्न पोजिशन पर होते हैं लेकिन ये चूंकि स्व राशि में बैठा हुआ है तो आप मध्यम पोजिशन पे थे मतलब जिस जातक की ये कुंडली है वो जातक मध्यम पोजिशन पे वहां पे रहा होगा देवलोक तो ये कुंडली निकालने का इसका तरीका है कैसे निकालते हैं एक कुंडली का एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं आप फिर दोबारा से देख सकते हैं जैसे ये जातक है इस जातक के बारे में हम देखें सूर्य और चंद्रमा दोनों में से कौन सा बलशाली है बाई चांस यहां भी सूर्य ही बलशाली है सूर्य का सटबल वन है इसका जीरो से नाइन है तो सूर्य को हमने देखा कि सूर्य कहाँ गया है दृष पत्रिका में दृष चार्ट हम लगा लेते हैं ये दृष्टान चार्ट हमारा है डी थ्री डी थ्री चार्ट में हमने सूर्य देखा कि सूर्य कहां पर है शुक्र के दृष्टान में तो चंद्रमा और शुक्र का दृष्ट में अगर ग्रह हो तो वह आदमी पितृलोक में होता है तो ये पितृलोक में था अब ये पितृलोक में कैसा पोजिशन पे था क्या शुक्र जो शुक्र है वो डीवन चार्ट में अपनी उच्च राशि में है या नीच राशि में है शुक्र की उच्च उच्च राशि होती है मीन तो मीन राशि में तो शुक्र नहीं है शुक्र तो सिंह राशि में है शुक्र की नीच राशि होती है कन्या तो कन्या राशि में भी नहीं है लेकिन कन्या राशि के थोड़ा पास में है तो पितृलोक में थोड़ा नीचे था नीचे पोजिशन थी थोड़ा निम्न लेवल की पोजिशन इनकी वहां पर रही होगी पितृलोक में ऐसा बताया जाता है और इसमें एक चीज और बताई गई है मोक्ष के बारे में बताया गया है यदि बृहस्पति अपने उच्च में होकर यहां मैं मोक्ष के बारे में आपको वैसे ही बता देता हूं उससे थोड़ा आपको आइडिया रहेगा स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूं अगर बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है और छठे पहले चौथे सातवें आठवें दसवें या बारहवें में शुभ ग्रह के नवांश में हो बृहस्पति अपने उच्च में होकर छठे पहले चौथे सातवें आठवें दसवें या बारहवें में शुभ ग्रह के नवांश में हो और अन्य ग्रह निर्बल हो तो मरण होने पर ऐसे मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं तो ये सब चीजें आपको देखनी होती हैं तो मैंने आपको बताया कि पूर्व जन्म में क्या थे ये आप कैसे देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस तरीके से आपसे देखते हैं अगर आपको समझ में आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके अलावा हम लोग एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन का बैच चलाने वाले हैं जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं एडवांस एस्ट्रोलॉजी वो हमसे संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद जय श्री कृष्णा